is the very first video of series of videos that I'm going to do here. So we would start with Political Science of Class 12. There are two books in Class 12. First one which deals with Indian politics. Second one which deals with world politics. So we would be starting with the first one. So the first chapter is Challenges of Nation Building. This video will basically help you all to understand the overview of the chapter. What is the theme of the chapter? और हम सबको पता है कि 1947 में इंडिया आज़ाद हो गया था, पर इंडिया के आज़ाद होने के बाद हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज आया कि हम इस देश को एक नेशन कैसे बनाएंगे. हाउ विल वी इंश्योर कि इसकी डाइवर्सिटी, इसकी यूनिटी मेंटेन रहे. इंडिया में इंडिया को रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड करा था, तो उसकी वजह से कम्युनल वायलेंस हो रहा था. जगह जगह धर्म के नाम पे दंगे हो रहे थे, लड़ाई हो रही थी, तो उनसे निपटना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क था. और जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के गए थे तो 565 प्रिंसली स्टेट्स थी, 9 ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, तो उन सबको जोड़ के रखना और ये इंश्योर करना कि आगे इंडिया में डेवलपमेंट हो और पूरी इंटायर सोसाइटी की वेलबींग के लिए हम लोग काम करें, डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करें. ऐसे हमारे स्टार्टिंग में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली बहुत सारे चैलेंजेस आए. हम इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि इन चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के लीडर्स ने क्या क्या अप्रोचेस लगाई, क्या क्या मेथड लगाए कि वो स्टेट को इंटीग्रेट कर सकें, उसकी यूनिटी डाइवर्सिटी को बेकरार रख सकें, सो दैट द कंट्री इज़ नॉट शैटर्ड इन पीसेस. सो बेसिकली इस चैप्टर में पहले हम 3 चैलेंजेस पढ़ेंगे कि स्टार्टिंग में क्या चैलेंजेस आए थे, कि हम पहले इंडिया को शेप कैसे करेंगे, हाउ विल वी शेप द नेशन. हमें इस वे में शेप करना था कि हमारी यूनिटी और डाइवर्सिटी दोनों बन रही रहे, इंडिया के पीसेस नहीं होने चाहिए, फ्रैगमेंटेशंस नहीं होनी चाहिए, वो एक साथ जुड़ के रहे. सेकेंड चैलेंज आया था कि हम डेमोक्रेसी कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, कि हम उसे प्रैक्टिस में कैसे लाएंगे. हमने कह तो दिया कि हम ये करेंगे वो करेंगे, राइट टू प्रॉपर्टी देंगे, राइट टू वोट देंगे, पर हम इसको प्रैक्टिस में कैसे लाएंगे, वो भी एक अपने आप में ही चैलेंजिंग टास्क था. फिर जो अगला चैलेंज आया था वो ये था कि अगर हमने डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश कर भी ली तो हम इंडिया में कैसे डेवलपमेंट लाएंगे, हम कैसे प्लानिंग करेंगे कि सोसाइटी के हर एक सेक्शन का बेनिफिट हो, सारी स्कीम्स हर एक सेक्शन तक पहुँचें और वेल्थ एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड ना हो, डेवलपमेंट हॉलिस्टिक हो, कि मतलब हर आदमी डेवलप कर रहा हो साथ में, हर ग्रुप की वेलबींग देखी जाए. तो जो हमने फर्स्ट चैलेंज पढ़ा था कि हम शेप कैसे करेंगे, उसी के सब चैलेंजेस आए थे. जो पहला था पार्टीशन, तो ये पार्टीशन भी अपने आप में ही बहुत बड़ा चैलेंज था. लोगों ने दोनों तरफ बॉर्डर्स के माइग्रेशन हुआ, दोनों तरफ मूवमेंट हुई, तो लोगों के घर भी उजड़ गए, तो हमने उनको कैसे रिफ्यूजी शेल्टर्स दिए, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. पार्टीशन हुआ क्यों था, वाई इट हैपेंड, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद पार्टीशन के दौरान हमें प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ी वो पढ़ेंगे. उसके बाद पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, उसका रिजल्ट क्या था, पार्टीशन के बाद क्या हमें देखने को मिला था, हम वो भी पढ़ेंगे. उसके बाद हम ये भी पढ़ेंगे कि इंडिया से जब ब्रिटिशर्स गए तो 565 प्रिंसली स्टेट्स थी, 9 ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, तो हमने इंडिया के लीडर्स ने उन्हें कैसे इंटीग्रेट करा, उनको कैसे इकट्ठा रखा. हम मीनिंग इसका, इंटीग्रेशन का मीनिंग पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन क्यों करना पड़ा था, उसको करते वक्त प्रॉब्लम्स क्या फेस हुई थी और गवर्नमेंट ने क्या अप्रोच लगाई थी कि वो इजीली इन स्टेट्स को इंटीग्रेट कर लें. और इस चैप्टर में बेसिकली 2 स्टेट्स का के बारे में डिटेल में दे रखा है. फर्स्ट वन इज़ हैदराबाद एंड सेकेंड वन इज़ मणिपुर. ठीक है, उसके बाद हम ये भी पढ़ेंगे कि जब ये सब हो गया तो हमने रीऑर्गेनाइज कैसे करा स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस पे. हम विशाल आंध्रा के मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कैसे वो, क्यों वो मूवमेंट हुआ, और उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बैठी, उसके बारे में भी पढ़ेंगे. और हम ये भी पढ़ेंगे कि कैसे स्टेट्स फॉर्म हुई. सो दिस वॉज द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर. अब हम इन सब टॉपिक्स को, एक एक टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे इन द अपकमिंग वीडियोज़. थैंक यू सो मच.